हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टर जो हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। आपने बेसिकली नाम सुनी होंगे। पहले नंबर पर जो स्टार्टर आता है वो आता है DOL, मींस डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर। दूसरे नंबर आपने देखा होगा मिलता है स्टार डेल्टा। तीसरा होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। और चौथा जो इंडस्ट्री में होता है BFD, इसका मतलब होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि DOL, स्टार डेल्टा, ऑटो ट्रांसफार्मर, BFD यूज़ क्यों करते हैं। जो हमारा DOL स्टार्टर होता है उसमें हम छोटी मोटर यानी कि 7.5 HP तक की मोटर DOL स्टार्टर से चलाते हैं, और उससे जो बड़ी मोटरें होती हैं 15 HP, 20 HP, 25 HP, उनको स्टार्टिंग करने का मेथड स्टार डेल्टा है। तीसरा है ऑटो ट्रांसफार्मर और BFD। और इन तीनों की बात की जाए तो इनको बोलते हैं रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टर। जो स्टार डेल्टा, ऑटो ट्रांसफार्मर और BFD, इनके अंदर क्या होता है, जो सप्लाई वोल्टेज है वो कम करके दी जाती है। इस वजह से इनको सॉफ्ट रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टर या फिर सॉफ्ट स्टार्टर बोलते हैं। आज मैं आपको जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसकी CCD और PCD दोनों ड्राइंग बना के दिखाऊंगा। कुछ लोग इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टार डेल्टा या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर या BFD या डेवलपमेंट डिफरेंस क्या है, तो हम एक ग्राफ में बात करते हैं। सिंपल तीनों और चारों स्टार्टर डिफाइन किए जाएंगे। करंट और स्पीड। जो DOL स्टार्टर है वो अपनी रेटेड स्पीड से जो करंट है वो लेगा 5 to 6 times, 5 to 6 times अप टू रेटेड स्पीड, रेटेड करंट। तो इसका ग्राफ बनेगा ये रेटेड, इसका DOL स्टार्टर का यूं जाएगा करंट। तो ये जो ग्राफ है वो है DOL। हम अगर कहते हैं स्टार डेल्टा में क्या होगा, स्टार डेल्टा में 180% ऑफ रेटेड करंट का लोड बढ़ाएगा। ये जाएगा हमारी स्पीड यूं और हल्का झटका लेके एकदम डाउन होके फिर यूं। तो ये जो है ग्राफ वो स्टार और डेल्टा का। तीसरी होती है BFD। BFD में क्या होता है, ग्राफ बनता है हमारा सिंपल वोल्टेज और स्पीड सेम चलेगी। ये ग्राफ चलता है BFD, और ऑटो ट्रांसफार्मर और BFD सेम रेशियो में चलते हैं। तो ये डिफरेंस है तीनों चारों स्टार्टर के बीच में, DOL, स्टार डेल्टा और BFD ऑटो ट्रांसफार्मर। अब हम बात करेंगे स्टार डेल्टा की वायरिंग के बारे में। हम बात करते हैं PCD, मीन्स पावर सर्किट डायग्राम। स्टार डेल्टा में हम तीन कॉन्टैक्टर यूज करते हैं।
पहला कॉन्ट्रैक्टर मैन कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर और तीसरा स्टार कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है स्टूडेंट। फिर इसके बाद थ्री फेस लाइन इनपुट देंगे मैन कॉन्ट्रैक्टर में, आर वाई और वी। मैन कॉन्ट्रैक्टर से तीन तार निकालेंगे ओवरलोड के थ्रू, ये बनी है ओवरलोड। ओवरलोड जो होती है वो हमारी प्रोटेक्शन डिवाइस है। प्रोटेक्शन डिवाइस मीन्स ये जो होती है वो मोटर हमारी ज़्यादा करंट ले तो उस केस में ये स्टार्टर को बंद करा देगी। फिर आते हैं इनमें जो आर वाई बी सप्लाई आ रही है उसको डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर में इस तरह जोड़ा जाएगा। फिर इससे U1, V1, W1, U2, V2, W2 ये छह तार निकलेंगे। हर स्टार्टर डेल्टा जो मोटर चलती है तो छह तार निकलते हैं। सेम लीड ला के इन स्टार्टर की इस तरह से वायरिंग करके और मोटर के तार जोड़ देंगे। ये हमारे हो गए पावर सर्किट डायग्राम। अब आते हैं कंट्रोल सर्किट डायग्राम, वो कैसे बनेगा। कंट्रोल सर्किट डायग्राम बनाने के लिए पहले लाइन से तार उठाएंगे, सीधे ले जाएंगे स्टॉप बटन, सेकंड लिख जाएंगे ओवरलोड एनसी। ओवरलोड एनसी के बाद ले जाएंगे स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन के बाद सीधे मेन कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल में। जो स्टार्टर के मेन कॉन्ट्रैक्टर के बाद होल्डिंग कराएंगे मेन कॉन्ट्रैक्टर के साथ और यहीं से एक टाइमर चलाएंगे। टी टाइमर की एनसी के साथ चलाएंगे अपना स्टार कॉन्ट्रैक्टर और एनओ से चलाएंगे डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर। अब आप इसमें देख रहे होंगे कोई भी इंटरलॉकिंग नहीं है। फिर यहाँ डालेंगे इंटरलॉकिंग, यानी कि डेल्टा की एन कॉइल के साथ स्टार की एनसी और इसके साथ डेल्टा की एनसी। ये जो पार्ट बना हुआ है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग। मैं बताता हूँ इसकी वर्किंग कैसे होगी। सर्वप्रथम जो हमारी सप्लाई आ रही है स्टॉप बटन पर आएगी, स्टॉप बटन से पास होके ओएल से पास होके सीधे जाएगी हमारी मेन कॉन्ट्रैक्टर और यहाँ तक सप्लाई ब्रेक है। जब हम स्टार्टर बटन दबाएंगे तो पहली बार जब स्टार्टर दबाएंगे तो मेन कॉन्ट्रैक्टर, टाइमर और स्टार कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज्ड होंगे और 5 सेकंड का टाइम लिया है। 5 सेकंड के बाद ये फर्स्ट स्टेप है, आफ्टर फाइव सेकंड मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन रहेगा, टाइमर ऑन रहेगा और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा तो हमारी मोटर चलेगी डेल्टा में। मतलब पहले ये कॉन्ट्रैक्टर चलेगा स्टार्टिंग में और स्टार कॉन्ट्रैक्टर चलेगा, उस देन 5 सेकंड के बाद में मेन कॉन्ट्रैक्टर और ये सप्लाई ऑन रहेंगी। अब बताता हूँ मोटर की जो कनेक्शन प्लेट आती है बनके उसमें तार दिए होते हैं कुछ इस तरह से,
एक दो तीन चार पाँच छः, इनके भी नंबर लिखे होते हैं। यहाँ लिखा होता है U1 V1 W1, यहाँ लिखा हुआ है U2 V2 और W2। अब ये जो कोडिंग लिखी हुई है, इसी कोडिंग के अकॉर्डिंग सेम टू सेम वायर हम स्टार्टर पर लाके जोड़ देंगे और हमारी मोटर इस मेथड के थ्रू स्टार और डेल्टा में चलेगी। बाकी और जो स्टार्टर हैं BFD DOL ऑटो ट्रांसफार्मर की जो कनेक्शन है वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।